फैजाबाद भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी किसानों और मजदूरों की तमाम समस्याओं को लेकर तिकुनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया, जिला अध्यक्ष नयन तिवारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसका संचालन अब्दुल कयूम अंसारी जिला महामंत्री ने किया एवं अपनी मांगों के संदर्भ में 7 सूत्रीय मांग पत्र सक्षम अधिकारी को सौंपा गया। जिला मंत्री अब्दुल कयूम अंसारी ने बताया कि किसानों का गन्ना बकाया दिए जाने, वृद्धावस्था, विधवा विकलांग पेंशन, शादी अनुदान, छुट्टा जानवरों से निजात आदि इनकी समस्याएं रहीं। आज इस अवसर पर विजयपाल, संगीता, सोना, प्रेमावती, महावीर विश्वकर्मा के साथ तमाम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता शामिल है। हम लोग जो है किसान और मजदूरों की समस्याओं को लेकर यहाँ महीने की पाँच तारीख को मासिक पंचायत करते हैं और एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है। नहरों की सफाई, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, गन्ना किसानों का बकाया और नहरों की सफाई, नहर में पानी नहीं है, यही सब ये जो है। तो आज आपने ज्ञापन सौंपा है? हाँ, ज्ञापन दिया। किसको दिया आपने? तहसीलदार साहब। क्या मुख्य मांगे हैं? केवल एक मांग बता दीजिए। मुख्य मांगे जो है गन्ना किसानों का बकाया है, गन्ना किसान बकाया है, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा पेंशन है, खाद के दाम कम किए जाए जो कि बहुत ज़्यादा है, बीज के दाम भी कम किए जाए, बीज मिलने में सरलता की जाए जो मांग रहे हैं। हर किसान के पास इतनी खतौनी नहीं है कि वो लगा सके यहाँ, क्योंकि यहाँ किसान कोई है नहीं, मजदूर किसान है, तो मजदूर किसान के पास बहुत कम जमीन होती है, लेकिन अब वो किसान तो किसान है, चाहे एक हिस्सा का किसान हो चाहे 10 हिस्से का किसान हो, किसान किसान है, तो उसको सरल किया जाए, ज़्यादा खतौनी की मांग जांच न की जाए और उसको जो है बीज सहजता से उपलब्ध हो।